आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में मिनिल 10 mg टैबलेट के बारे में, इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट, प्राइस सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल GS यानी ज्ञान CB पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा के मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिल 10 mg टैबलेट का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, इस टैबलेट का फ़ायदा क्या क्या है। मिनिल 10 mg टैबलेट माइग्रेन के हमलों को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप इस टैबलेट का प्रयोग सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और माइग्रेन, इरेगुलर हार्ट बीट, दिमाग की परेशानियां में आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। हृदय रोग, मस्तिष्क, मानसिक समस्या में भी आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप भी सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक के खतरों से बचना चाहते हैं तो आप भी इस टैबलेट को ले सकते हैं। लेकिन आप इस टैबलेट को लेने से पहले अपने चेक जांच डॉक्टर से ज़रूर कराएं, उसके बाद ही आप इस टैबलेट का प्रयोग करें। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये साइड इफ़ेक्ट कॉमन है, किसी को नज़र आते हैं तो किसी को नहीं भी आ सकते हैं। सुस्ती, वजन बढ़ना, मांसपेशियों में दर्द, थकान, कफ, मछली, अनिद्रा, भूख बढ़ना, पेट की दर्द, स्तनों में दर्द, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं इस टैबलेट के। यदि आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही इस टैबलेट का प्रयोग करें, अन्यथा इस टैबलेट का प्रयोग अपने मन से ना करें। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के प्राइस के बारे में। एक स्टेप में 10 टैबलेट आती है, इसका प्राइस है 20 रुपया। आप किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन से आप इस टैबलेट को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के डोज के बारे में। एक टैबलेट आपको सुबह नाश्ते के बाद लेना है और एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद लेना है, या फिर आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही इस टैबलेट का डोज लें।